नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GBN24। आईसीसी ने भारत के पूर्व आक्रामक दिग्गज सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को एक बड़ी उपलब्धि दी है। आईसीसी ने वीरेंद्र सहवाग को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। सबके दिलों में रहने वाले वीरेंद्र सहवाग अब आईसीसी के हॉल ऑफ फेम का हिस्सा भी रहेंगे। आपको बता दें, वीरेंद्र सहवाग 8वें खिलाड़ी बने। इससे पहले जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया था उनमें विशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, वीनू मांकड़ और सचिन तेंदुलकर का नाम है। नामों के बीच खुद को पाके वीरेंद्र सहवाग काफी खुश होंगे। आईसीसी ने 13 नवंबर को भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग सहित 3 खिलाड़ियों को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। सहवाग के अलावा इस हॉल ऑफ फेम में शामिल दूसरे खिलाड़ी श्रीलंका के पूर्व दिग्गज अरविंद डे सिल्वा हैं। वहीं पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी डायना एडुल्जी को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इससे पहले भारत की तरफ से 7 खिलाड़ियों को आईसीसी ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था। वीरेंद्र सहवाग की गिनती वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक ओपनिंग बल्लेबाजों में की जाती है। सहवाग के नाम आज भी क्रिकेट वर्ल्ड में कई ऐसे रिकॉर्ड दर्ज हैं जिनको तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसी भी खिलाड़ी को तब शामिल किया जाता है जब उसका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर से संन्यास लिए 7 साल पूरे हो चुके हैं। भारत की तरफ से सहवाग 8वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ये सम्मान मिला है। वहीं डायना एडुल्जी 9वीं भारतीय खिलाड़ी होने के अलावा पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं। आईसीसी ने अब तक अपने हॉल ऑफ फेम में काफ़ी कम महिला खिलाड़ियों को जगह दी है, जिसमें अब डायना एडुल्जी का नाम भी शामिल हो गया है। भारत की तरफ से अब विशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, वीनू मांकड़ और सचिन तेंदुलकर को ये सम्मान मिल चुका है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अब तक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है। वीरेंद्र सहवाग के इंटरनेशनल क्रिकेट को देखा जाए तो वो बतौर मैच विनिंग खिलाड़ी के रूप में खेलते थे। टेस्ट और लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में उनके खेलने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलता था। इसी वजह से सहवाग भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में पहला 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बने थे। सहवाग ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 से अधिक रन बनाए हैं। आईसीसी सहवाग और डायना का सम्मान 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच के दौरान करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GBN24 न्यूज।